यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, बिहार आने और जाने के लिए, अगर आपको बिहार जाना है या बिहार आना है, ठीक है, बिहार जाना है या फिर बिहार से बाहर दिल्ली मुंबई गुजरात कहीं भी जाना है, तो रेलवे की ओर से जो है करीब 450 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिसमें आप अगर सफ़र करते हैं तो आपको आसानी से टिकट भी मिल रही है और आसानी से सीट भी मिल रही है। तो ट्रेन लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा लिस्ट, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और भी मैंने बहुत सारे ट्रेनों की जानकारी आप लोगों के लिए ले कर आया था पिछले वीडियो में, दो चार वीडियो मैंने पहले भी डाला है जिसमें सारी के सारे पूजा स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अब जो है रेलवे की ओर से, क्योंकि बिहार बहुत सारे लोग आए, अब बिहार से बहुत सारे लोग जो है वो बाहर भी जाएंगे, यानी अपने अपने काम पे लौटेंगे भी, तो लौटने के लिए भी ट्रेन शुरू की जा रही है। और अगर बिहार बाहर से जो है दिल्ली मुंबई गुजरात से बिहार आना अभी चाहते हैं तो भी उसके लिए ट्रेन शुरू की जा रही है। तो कौन कौन से ट्रेन कहाँ से खुलेगी, गाड़ी नंबर क्या है, वो सब सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। और नई नई ट्रेनों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे जो है पहले शुरुआत करते हैं, देखिए यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी की गई है। पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा 01101 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लेकर दानापुर तक ये ट्रेन चलेगी, और दानापुर से लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक चलेगी। गाड़ी संख्या है 01101, ये आप देख पा रहे होंगे, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 23:55 पे खुलेगी, और आपका जो है दानापुर जो है वो 7 बजे तक पहुंच जाएगी अगले दिन। तो ये ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी होते हुए जो है ये ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक है। तो आरा, बक्सर वगैरह सभी जगह जो है ये रुकते हुए चलेगी, और परिचालन की तिथि आप देख पा रहे होंगे 6/11/2024 से ये शुरू हो जाएगी, ठीक है, 6/11 से शुरू होने वाली है ये। लोकमान्य तिलक से खुलेगी, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 6/11/2024 को खुलेगी, और दानापुर से देखिए ये 8 तारीख को खुलेगी, ठीक है, 8/11/2024 को शुक्रवार को खुलेगी। इसमें जो है 10 कुर्सी यान है, यानी चेयर कार है, और जनरल जो है 8 डब्बा है, ठीक है। तो टोटल जो है इसमें 18 डब्बे जो है वो टोटल का टोटल यहाँ पे जनरल डब्बा दिया गया है, ठीक है। अब देखें अगला जो ट्रेन है, अगला ट्रेन अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रेनों के संख्या दी गई है और ट्रेन नंबर दी गई है और कहाँ से कब तक खुलेगी, ये सब जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कि देखें 01143 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दानापुर 11/11/2024 को चलेगी। अब ये 11/11/2024 तक थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है, 12/11/2024 से 20/11/2024 तक चलेगा, ठीक है। फिर यही आप देखें 01144 जो है दानापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल, ये अब जो है 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चलने वाली है, ठीक है, 13 तारीख से लेकर 21 तक चलेगी। फिर आप देखें 01145 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आसनसोल तक, ये देख सकते हैं 18 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच चलने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 01146 आसनसोल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के लिए, मुंबई CST के लिए, तो 20/11 से लेकर 27/11/2024 तक चलेगी। फिर वहीं देखें 01205 ये पुणे से लेकर दानापुर के बीच चलेगी, ये जो देख सकते हैं 8/11/2024 से 17/11/2024 तक है। फिर देखें 01206 ये दानापुर से पुणे तक 10/11/2024 से 19/11/2024 तक। फिर देखें तो 01481 जो है पुणे से दानापुर, ये आपका 12/11/2024 से 20/11/2024 तक चलेगी। फिर देखें तो 01482 ये दानापुर से पुणे तक चलेगी, ये आपका 14/11 से 22/11/2024 तक चलेगी। फिर देखें तो 01065 जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी मुंबई CST अगरतला के बीच चलेगी, ये 14/11 से 21/11 तक। फिर अगरतला से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई CST के लिए 01066 ये जो है आपका 17 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच चलने वाली है। फिर देखें तो 01207 जो है ये आपका नागपुर से लेकर समस्तीपुर के बीच चलेगी 20/11/2024 तक, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे 01208 समस्तीपुर से नागपुर, ये 21 तारीख तक चलेगी, ठीक है। अब अगला देखें
अगले में देख सकते हैं यहाँ पे जो है दो अतिरिक्त फेरे दिए गए हैं देवलाली से दानापुर मनसाड के लिए। ये देवलाली से 16/11/2024 को चलेगी और 23/11/2024 को चलेगी। गाड़ी संख्या जो है 0/11/53 है और लौटने में जो है 0/11/54 बन के लौटेगी दानापुर से। ठीक है, तो दानापुर से जो है ये 18 तारीख को खुलेगी और 25 तारीख को खुलेगी। ठीक है, आगे देखें तो नेक्स्ट जो है सभी ट्रेनों की लिस्ट यहाँ पे भी जारी की गई है। आप देख पा रहे होंगे ये रेलवे की ओर से ही जारी की गई है। ये देखिए गाड़ी संख्या यहाँ पे दिखाया गया, छठ पूजा के अवसर पर ये शुरू की गई थी। अब देखिए ये जो है गाड़ी यहाँ पे चलाई जा रही है 0/14/81 पुणे से दानापुर। ठीक है, फिर देखें तो 0/14/82 दानापुर से पुणे, 0/11/43 लोकमान तिलक टर्मिनल से दानापुर, फिर 0/11/44 दानापुर से लोकमान तिलक टर्मिनल, फिर 0/11/46 आसनसोल जंक्शन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 0/14/18 जो है ये छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल कोल्हापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 0/10/46 प्रयागराज जंक्शन से लोकमान तिलक टर्मिनल तक, फिर लोकमान तिलक टर्मिनल से 0/10/53 जो है लोकमान तिलक टर्मिनल से बनारस तक है। फिर इधर देखें तो सहरसा जंक्शन से आनंद विहार के बीच चल रही है 0/40/31 सहरसा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक, फिर गोरखपुर जंक्शन से 0/40/43 गोरखपुर जंक्शन से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक चलाई जा रही है। फिर अगला देखें तो 0/42/17 वाराणसी जंक्शन से लेकर लखनऊ तक चलेगी। फिर देखिए यहाँ पे 0/42/18 लखनऊ से वाराणसी जंक्शन, फिर 0/22/46 जो है हजरत निजामुद्दीन से लेकर पटना जंक्शन तक, फिर यहाँ पे 40/47 कटिहार जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल, 22/52 जो है नई दिल्ली से लेकर पटना जंक्शन, फिर देखें तो 22/70 जो है लखनऊ से छपरा जंक्शन, फिर 22/69 जो है छपरा से लखनऊ जंक्शन, फिर 22/47 से पटना जंक्शन से नई दिल्ली, 40/53 गाड़ी संख्या बरौनी जंक्शन से लेकर नई दिल्ली तक। अब देखिए अगला और भी बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पे दी गई है, देख पा रहे होंगे अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 0/15/0/14/15 ये जो है आपका पुणे से गोरखपुर जंक्शन तक है, फिर यहाँ पे 0/14/16 गोरखपुर जंक्शन से पुणे तक, फिर 0/10/79 जो है मुंबई CST से गोरखपुर जंक्शन तक, फिर यहाँ पे 0/10/80 जो है गोरखपुर जंक्शन से मुंबई CST तक, फिर 0/14/33 जो है पुणे से ढेहर बालाजी, और 0/10/68 करीमनगर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, फिर 0/12/05 जो है पुणे से खुलेगी दानापुर तक चलेगी, फिर ये 0/12/06 जो है दानापुर से पुणे तक, 0/12/07 जो है नागपुर से समस्तीपुर तक, फिर देखिए 0/11/76 जो है सावंतवाड़ी रोड से पुणे तक, फिर 0/11/77 जो है पनवेल से सावंतवाड़ी रोड तक, फिर देखिए बरौनी जंक्शन से देख सकते हैं 40/53 जो है बरौनी जंक्शन से नई दिल्ली तक, फिर 46/07 जो है हावड़ा जंक्शन से जम्मू तवी तक, और 40/35 जो है भागलपुर से लेकर नई दिल्ली तक, फिर देखे 43/72 जो है देहरादून से लखनऊ तक, फिर 43/71 लखनऊ से देहरादून तक, फिर 45/27 जो है सहरसा जंक्शन से सरहिंद जंक्शन तक, फिर 40/73 देखें पटना जंक्शन से नई दिल्ली, फिर 22/61 देखें राजगीर से नई दिल्ली, फिर 96/07 जो है अजमेर जंक्शन से सोलापुर जंक्शन, फिर 0/47/11 बीकानेर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनल, फिर 0/97/23 से 0/97/23 जो है जयपुर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनल तक, और 0/96/03 जो है उदयपुर सिटी से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक, और 0/47/06 जो है जयपुर जंक्शन से श्री गंगानगर, और 0/47/05 जो है श्री गंगानगर से जयपुर जंक्शन तक। फिर अगला देखें तो अगला आप यहां से देख पा रहे होंगे ये देखें 0/11/77 पनवेल से सावंतवाड़ी रोड तक, फिर देखें 0/14/52 करीमनगर से पुणे तक, फिर 0/10/25 देखें तो दादर से लेकर बलिया तक, और 0/10/26 देखें बलिया से दादर तक,
और 011-39 से नागपुर से लेकर मंडगांव तक, और 028-32 भुवनेश्वर से धनबाद जंक्शन, फिर देखें यहाँ पे 028-31 धनबाद जंक्शन से भुवनेश्वर, और 085-79 विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जंक्शन, फिर देखें 085-39 विशाखापट्टनम से कोल्लम जंक्शन, फिर 083-11 संबलपुर से ईरोड जंक्शन, और 085-07 से शालीमार से लेकर विशाखापट्टनम तक, 085-36 विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर, 085-35 भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम, तो 085-67 जो है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जंक्शन, और 085-68 जो है विजयवाड़ा जंक्शन से विशाखापट्टनम, फिर देखें 23-97 जो है गया जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल, फिर देखें यहाँ पे 047-05 श्रीगंगानगर से जयपुर जंक्शन, फिर 097-21 जयपुर जंक्शन से उदयपुर सिटी, फिर 097-22 उदयपुर सिटी से जयपुर जंक्शन, 096-39 से मादर जंक्शन से लेकर रोहतक जंक्शन, और 096-40 रोहतक जंक्शन से मादर जंक्शन तक, और 097-33 से जयपुर जंक्शन से भिवानी, और 097-34 भिवानी जयपुर जंक्शन, और 096-55 जो है अजमेर जंक्शन से बलसाड़, और 048-13 जो है भगत कोठी से दानापुर, और 074-87 सिकंदराबाद जंक्शन से श्री काकुलम रोड, और 076-25 जो है हजूर साहिब नांदेड़ से पनवेल तक, 075-17 सिकंदराबाद जंक्शन से नागरसोल तक, और 076-51 जो है जालाना से छपरा तक, और 076-95 जो है सिकंदराबाद जंक्शन से रामनाथपुरम तक। अब देखिए और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, तो सारा का सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गया जंक्शन से देखें 23-97 जो है गया जंक्शन से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी, फिर देखें 076-95 जो है सिकंदराबाद जंक्शन से रामनाथपुरम तक चलेगी, फिर आनंद विहार से देख सकते हैं 23-98 जो है आनंद विहार टर्मिनल से गया जंक्शन तक, फिर सिकंदराबाद देखिए मदुरई जंक्शन से 071-92 जो है मदुरई जंक्शन से काचीगुड़ा तक चलेगी, फिर देखें 32-53 पटना जंक्शन से सिकंदराबाद जंक्शन, फिर 072-55 और 072-56 जो है हैदराबाद सिकंदराबाद जंक्शन से पटना जंक्शन के लिए चलेगी, फिर देखें 23-93 जो है पटना जंक्शन से नई दिल्ली, और 23-94 जो है नई दिल्ली से पटना जंक्शन, और 23-25 जो है धनबाद जंक्शन से कोयम्बटूर जंक्शन, फिर 52-19 जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक, फिर 52-20 जो है आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर तक, फिर 52-83 देखें मुजफ्फरपुर जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक, फिर यहाँ पे देखें तो 07-007 जो है ये सिकंदराबाद जंक्शन से लेकर रक्सौल तक चलेगी, रक्सौल जंक्शन तक, और ये 072-22 जो है संतरागाछी जंक्शन से सिकंदराबाद जंक्शन, फिर 071-66 जो है कटक से लेकर हैदराबाद डेक्कन तक, और 074-45 जो है ये आपका काकीनाड़ा से लेकर काकीनाड़ा टाउन से लिंगमपल्ली तक, 71-95 जो है काजीपेट जंक्शन से दादर जंक्शन तक, और 076-50 जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन से चरमपल्ली तक, और 070-69 जो है सिकंदराबाद जंक्शन से संतरागाछी जंक्शन तक, 071-76 जो है गोरखपुर जंक्शन से सिकंदराबाद जंक्शन, 076-18 जो है हजरत निजामुद्दीन से काचीगुड़ा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 52-84 जो है आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक है, 33-10 जो है वो जम्मू तवी से लेकर धनबाद जंक्शन तक है। ये नंबर जो आप इधर देख रहे हैं दोस्तों, ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है, ट्रेन नंबर, इससे आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको ट्रेन भी पूरा टिकट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, IRCTC के वेबसाइट से या IRCTC के एप्लीकेशन से आप आसानी से डाउन जो है अपना टिकट काट सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो जम्मू तवी से धनबाद तक ये 33-10 हो गया, फिर 32-45 जो है दानापुर से SMBT बंगलुरु तक, फिर 32-52 जो है SMBT बेंगलुरु से दानापुर तक, 33-02 जो है धनबाद जंक्शन से जयनगर तक, और 030-27 जो है हावड़ा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी तक, फिर 031-36 पटना जंक्शन से कोलकाता तक, और 035-10 जो है खातीपुरा से आसनसोल जंक्शन, फिर 034-84 जो है नई दिल्ली से भागलपुर, और 035-06 जो है पटना जंक्शन से आसनसोल जंक्शन, फिर 041-32 बेंगलुरु से प्रयागराज जंक्शन,
01927 कानपुर सेंट्रल से मदुरई जंक्शन, फिर 04123 प्रयागराज जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन और 05109 छपरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल और 05005 जो है गोरखपुर जंक्शन से अमृतसर जंक्शन तक। फिर अगला देखें तो देखें 02842 जो है चेन्नई सेंट्रल से लेकर शालीमार तक और 06629 रांची से गोरखपुर और 06089 चेन्नई सेंट्रल से संतरागाछी जंक्शन, फिर 06098 जो है अम्बाला छावनी से चेन्नई सेंट्रल और 06084 बेंगलुरु से कोचुवेली तक और 7335 जो है बेलगावी से मनुगुरु तक, 7336 मनुगुरु से बेलगावी तक, 01662 दानापुर से रानी कमलापति और 01705 जबलपुर से दानापुर, 09059 सूरत से लेकर ब्रह्मपुर तक और 09056 जो है उधना जंक्शन से बांद्रा टर्मिनल और 09055 जो है बांद्रा टर्मिनल से उधना जंक्शन, फिर 09112 गोरखपुर जंक्शन से बड़ोदरा जंक्शन और 09051 जो है दादर से भुसावल जंक्शन, फिर 9052 जो है 09052 भुसावल जंक्शन से दादर जंक्शन। और देख लेते हैं अभी बहुत सारी ट्रेन है क्योंकि 450 ट्रेनें जो है वो चलाई गई है, तो देख सकते हैं 05097 जो है टनकपुर से लेकर दौराई तक, फिर 05003 गोरखपुर जंक्शन से नई दिल्ली और 05038 आनंद विहार टर्मिनल से बनारस तक, 05029 गोरखपुर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनल, 05064 मऊ जंक्शन से कोलकाता जंक्शन, 05162 अमृतसर जंक्शन से छपरा जंक्शन, फिर 06536 गुवाहाटी से श्रीगंगानगर, देखिए 06571 गुवाहाटी से आनंद विहार टर्मिनल, 06597 न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक, 07736 कटिहार से अमृतसर जंक्शन, 04075 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी और 04096 आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या छावनी। अब देखिए अगला 09052 जो है भुसावल से दादर और 09057 उधना जंक्शन से मंगलौर जंक्शन, 09324 जो है इंदौर जंक्शन से पुणे जंक्शन, 09075 मुंबई सेंट्रल से काठगोदाम और 09525 हाफा से नाहर लागून और 09183 मुंबई सेंट्रल से बनारस तक, 09733 उधना जंक्शन से बरौनी जंक्शन, फिर 09034 बरौनी जंक्शन से उधना जंक्शन, 09524 दिल्ली छावनी से ओखा, 09321 डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक, 09313 उज्जैन जंक्शन से भोपाल जंक्शन, 09314 भोपाल जंक्शन से उज्जैन जंक्शन और देखें यहाँ पे 09044 गोरखपुर जंक्शन से दाहुन रोड, 09061 उधना जंक्शन से गाजीपुर सिटी, 09027 बांद्रा टर्मिनल से मालदा टाउन और 09445 जो है साबरमती जंक्शन से लेकर लखनऊ NE तक। अब अगला देखें तो देखिए अब जो है लास्ट हो चुका है, तो 04059 जो है जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल, 04067 दरभंगा जंक्शन से दिल्ली जंक्शन तक, 04678 फिरोजपुर छावनी से पटना जंक्शन तक, 05553 जो है सहारनपुर से अम्बाला छावनी तक और 05554 अम्बाला छावनी से सहारनपुर तक, 04022 आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी और यहाँ पे देखिए 09313 उज्जैन जंक्शन से भोपाल जंक्शन, 09314 जो है भोपाल जंक्शन से उज्जैन जंक्शन, 09014 जो है गोरखपुर जंक्शन से दाहुन रोड और 09061 जो है उधना जंक्शन से गाजीपुर सिटी और 09027 बांद्रा टर्मिनल से मालदा टाउन, 09445 साबरमती जंक्शन से लखनऊ NE और 09597 जो है राजकोट जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन और 09704 दिल्ली जंक्शन से मुंबई सेंट्रल और 09449 अहमदाबाद जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन। फिर देखें तो 09040 जयनगर से उज्जैन जंक्शन और 09020 भागलपुर से उज्जैन जंक्शन। तो टोटल जो है 450 ट्रेनों की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये लिस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, कॉमेंट बॉक्स में देखिए, एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है,
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये लिस्ट वहाँ पे डाला हुआ है, इसको आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।